आखिर क्यों इस दुनिया में मनुष्य अपने मन का गुलाम बन चुका है? ये मन कैसे मनुष्यों को पतन की ओर लेकर जा रहा है? आखिर कुछ तो बात है जिससे मनुष्य अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। इस दुनिया में मनुष्य के मन और मन के मैल को लेकर भगवान बुद्ध सभी मानव जाति को काफी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक के तीसरे भाग और पांचवें क्रमांक के बौद्ध जीवन मार्ग में बताया गया है। और इसे पूरी तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान बुद्ध बताते हैं कि आदमी वही कुछ होता है जो उसके मन में चल रहा है, उसका मन ही उसके भविष्य को बनाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने बताया है कि समार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना सबसे पहला कदम है। अगर हम अपने मन को साध लें तो पूरी दुनिया को साध सकते हैं। कहते हैं हमारे मन के अनुसार ही पूरी दुनिया है। हम जैसा भी सोचेंगे वैसे विचार हमारे मन में होंगे, वैसा ही हमें पूरी दुनिया में नजर आएगा और हम वैसे ही बनते चले जाएंगे। यदि कोई आदमी दुखी मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है। इसलिए मन को साधना ही बौद्ध जीवन का सबसे पहला कदम है। जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले पशु के पीछे चलते हैं, यदि कोई आदमी स्वच्छ मन से कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसके पीछे हो लेता है, जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे हो ही रहती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने मन को स्वच्छ बनाओ, अपने भीतर को स्वच्छ बनाओ। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है, मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, बहुत ही कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर इसे हम श्रीमद् भागवत गीता से समझने की कोशिश करें तो गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल है, हठी है, बलवान है, मुझे इस मन को अपने वश में करना है। वायु को वश में करने के समान यह अत्यंत कठिन लगता है, आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने मन में लगा लें। अर्जुन की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, असंशय महाबाहु मनो दुर्निर्ग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सांसारिक कामनाओं को त्याग कर वैराग और निरंतर अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने भी अपने धर्म में कहा है, जिस प्रकार पानी से बाहर फेंको ही मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार्ग के बंधन से मुक्त होता हुआ ये मन तड़पता है, जिसे काबू में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा मौज खोजता है। ऐसे मन को काबू में रखना बहुत ही आवश्यक सुख देने वाला होता है। अपने आप को एक दीप बनाओ, एक लाइट बनाओ, जिसके उजागर होने से एक दिन यह चमक उठे, और इसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा। जब तुम्हारे चित्त के मैलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे, तब तुम्हें दिव्य भूमि प्राप्त होगी। तुम्हारे मन में जो विचार है, जो आसक्ति है, उसे दूर करो। जिस प्रकार सुनार छन छन करके थोड़ा थोड़ा करके चांदी के मैल को दूर करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वह छन छन करके थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मैल को दूर करे। लेकिन आजकल की दुनिया में लोग सिर्फ बाहर के मैल को साफ करने में लगे हुए हैं, भीतर के मैल को कोई साफ नहीं करता, अपने मन के विचारों को कोई साफ नहीं करता। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ मोर्चा लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार एक पापी के अपने कर्म ही उसे दुर्गति तक ले जाते हैं। फिर भगवान बुद्ध आगे बताते हैं, सभी मनुष्यों में विकारों से बढ़कर अविद्या सबसे बड़ा मैल है, सबसे बड़ा विकार है। हे भिक्षुओं, इस मैल का त्याग करके निर्मल हो जाओ। भगवान बुद्ध बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में आए हो तो अविद्या ही लेकर मत जाओ, ज्ञान अर्जन करो और अपने मन के मैल को निर्मल करके विद्या को पाओ। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसके लिए उनका जीवन आसान है, सरल है, वह आसानी से अपने जीवन को काट सकता है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता को खोजता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धि युक्त है, ऐसे आदमी के लिए जीवन सरल नहीं रहता है, आसान नहीं होता है। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है, वह सच हो जाता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे सरल हो जाता है, वह अपने आप में सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है,
पर स्त्री गमन करता है, शरारती है, नशीली चीजों का सेवन करता है, वह इस संसार में अपनी कब्र अपने आप ही खोद लेता है। फिर आगे बुद्ध बताते हैं कि हे आदमी, इस बात को जान लो, आसक्तता की हालत अच्छी नहीं रहती। बुद्ध यहां पर बताना चाहते हैं कि असंयम से मत रहो, हमेशा संयम से रहो, कंट्रोल में रहो, अपने आप को कंट्रोल करो, अपने मन को अपने भीतर कंट्रोल करो, और इस बात से हमेशा सावधान रहो कि लोभ और पाप कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुख में ही डाल रहे हैं। भगवान बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि लोभ तुम्हारे मन में आएंगे, लेकिन तुम्हें इसे समझना होगा, तुम्हें इसे जानना होगा। जब तुम इसे समझ लोगे, जान लोगे, तो धीरे धीरे लोभ की तीव्रता तुम्हारे अंदर कम होती जाएगी। संसार अगर किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता है, और यही देखकर यदि एक आदमी दूसरे को मिलने वाले अच्छे खाना या भोजन को देखकर जलता है तो उसे ना दिन में शांति मिलेगी और ना ही रात में। इसका मतलब समझा जाए तो इस संसार में हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस, हमारे भाई बंधु, दोस्त यारी, किसी को अगर कोई चीज उपलब्ध हो जाती है, किसी को कुछ अच्छा मिल जाता है, किसी को सफलता मिल रही है, वो ऊंचाई पर जा रहा है, और किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिल रहा, तो हमें उसके सक्सेस को देखकर जलना नहीं चाहिए, उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह संसार उसके कर्मों के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार उसे दे रहा है। और भगवान बुद्ध ये भी बताते हैं कि जिसके मन में ये भावनाएं नहीं रहती हैं, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, तो वह दिन को शांति में रहता है और रात को भी शांति में रहता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो लोग दूसरे के दोष को आसानी से देख लेते हैं, दूसरे के दोष को भूसी की तरह उड़ाते हैं, किंतु अपने दोष को नहीं देख पाते हैं, हमेशा उसे छिपाते रहते हैं, जैसे एक जुआरी गोटी को छुपाता रहता है, वैसे लोग मन ही मन क्रोध में रहते हैं, भीतर से अशांत रहते हैं, और इस प्रकार उनके अंदर आसक्ति बढ़ती है, वह अपने आप में ही डिस्चार्ज होने लगते हैं, और धीरे धीरे उनका मन इतना अशांत हो जाता है कि वह गलत मार्गों पर जाते हैं, जिससे उन्हें एक भयंकर परिणाम का सामना करना पड़ता है। अंतिम में भगवान बुद्ध बताते हैं कि सभी पापों से बचो, कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, यही बुद्ध की शिक्षा है। मित्रों, जीवन में अगर हम एक पहलू पर बड़े ध्यान से समझें कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, तो आप देखेंगे कि जैसे विचार आप अपने मन में रखते हैं, आपके साथ वैसा ही होता चला जाता है। और अगर आप अपने भविष्य को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने मन के आज के विचारों को पूरी तरीके से बदलना होगा। जिस तरीके से आप पहले सोचते आए हैं, उसे पूरी तरीके से बदलना होगा, फिर आप देखेंगे आपको परिणाम भी अलग ही मिलेगा, और एक बेहतर परिणाम मिलेगा। जैसा आप सोचेंगे उसी प्रकार